हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है रेडियंस आई में सो so, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हुए इसमें आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे सो स्टे ट्यून्ड एंड ये सीरीज जैसे आप जानते हैं कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है तो इस सीरीज के किसी भी एक वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझिएगा सो so, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सो लास्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने अपना एक क्वेश्चन देखा था जो आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन था दैट इन ईयर द भवन ऑफ अजय पाल लोकेटेड इन श्रीनगर गढ़वाल वॉज डैमेज ड्यू टू अर्थक्विक एटीन हंड्रेड एटीन एटी सिक्स एटीन जीरो थ्री और एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन सो इसका आंसर है हमारा एटीन जीरो थ्री एटीन जीरो थ्री में अजय पाल जो गढ़वाल रीजन के राजा थे श्रीनगर में उनका जो राजभवन था वो डैमेज हुआ था अर्थक्वेक की वजह से ये आंसर आपको ध्यान रखना है अपने इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द बैटल ऑफ तलीकोटा जो बैटल था तलीकोटा का वो किन के बीच में लड़ा गया था अकबर एंड सुल्तान ऑफ मालवा विजयनगर एंड भामनी किंगडम विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकुंडा शेरशाह एंड हिमायू सो so द आंसर इज विजयनगर एंड द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकुंडा इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग बैटल ऑफ तलिकोटा कौन से ईयर में फॉर्ट किया गया था इट वॉज इन दर फिफ्टीन सिक्सटी फाइव इट वॉज अ वाटर शेड बेटल विच वॉज फॉर्ट बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड दी डेकन सल्तनेट डेकन सल्तनेट में आपके कौन से रीजन आ गए बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकुंडा रीजन विच रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द विजयनगर

सो दो वीरूपक्ष टेम्पल इन हम्पी वाज़ बिल्ड ड्यूरिंग द विजनगर पीरियड एंड हम्पी इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल तो आपको जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी टैंजिबल है कौन सी इन है इसके बारे में भी आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए इसकी डिटेल्स आपको हमारे लेक्चर्स के अंदर भी मिल जाएंगी सो so, हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर भी आपको ऐसी डिटेल्स जो हैं, वो कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन हु द किंग क्वेश्चनिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका इन नदर्न इंडिया इलतुतमिश रजिया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक करेक्ट आंसर इज इल्तुतमिश द टू मेन करेंसी ऑफ सल्तनत पीरियड इज जितल एंड टंका डू रिमेम्बर दिस दो तरीके के फॉर्म्स ऑफ करेंसी जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन से थे वो जितल और टंका थे इल्तुतमिश वाज़ द फर्स्ट टर्किश रूलर हु स्टार्टेड द प्योर अरेबिक क्वाइंस ही हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द करेंसी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत एज ही वाज़ द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड द फेमस ऑफ सिल्वर जिनको टंका कहा जाता था एंड कॉपर जिसको जितल कहा जाता था तो आपसे ये पूछा जा सकता है की टंका और जितल कौन से मेटल से मेकर बनता था तो आपको ध्यान रखना है टंका वॉज बींग मेड ऑफ सिल्वर एंड

The three doorways on east, west and south are lofty pointed arcs in the shape of a horseshoe. तो ध्यान रखेगा कि horseshoe arc जो है वो सबसे पहली बार हमारे को कहां पर evident है That is from अलाई दरवाजा Next question. कीर्ति स्तंभ of चित्तौर was constructed during the rule of Rana Kumbh, Rana Hamir, Rana Ratan Singh, Rata Sangram Singh. So the answer is Rana Kumbh. कीर्ति स्त ऑफ जितौर वॉज कंस्ट्रक्टेडा कु पिलर इज यूनिक मोन्यूमेंट ऑफ इज अचीव इन विक्ट्री ओवर महमूद खलजी सो ये ध्यान रखिएगा आप कीर्ति स्तंभ के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन इसकी डिटेल्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज तबक ए नाजरी शेख जमालुद्दीन अलबरूनी अल बरूनी या सियाउद्दीन बर्नी सो द उस सिराज एक बहुत ही फेमस ऑथर है मिनाज सिराज इनके बारे में ध्यान रखेगा सो द टेक्स्ट तबत ए नाजरी रिटन बाय उस सिराज एंड दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गौरी ओवर इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म अप्रमस वॉज यूज इन मिडीवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट आउटकास्ट अमंग राजपूत डेविएशन फ्रॉम वेदिक रिचुअल्स अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉन संस्कृत वर्ड्स Meters answer is early forms of some form of modern Indian languages. the upper Pramsa jo hai, wo is Sanskrit term hai, and this is a, basically a term which was used in the medieval Sanskrit text to denote early forms of some of the Indian modern languages. Scholars have opined that different Hindi dialects of Northern India and Kashmiri, Punjabi, Sindhi, नेपाली शौर्य सेनी एंड मराठी आर डेवलप फ्रॉम अप्रमसा तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस अप्रमसा से आई हैं तो आपको ध्यान रखना है इन लैंग्वेजेस के बारे में कश्मीरी पंजाबी सिंधी नेपाली शौर सेनी एंड मराठी फ्रॉम अप्रमसा नेक्स्ट क्वेश्चन द डेली सुल्तानिश बलबन अलाउद्दीन खलजी और फिरोज तुगलक द आंसर इज फिरोज तुगलक सो फिरोज शाह तुगलक हैड रिटन हिज एट है फिरोज शाही एंड थ्रू हिज बुक द सुल्तान

arrival of portuguese in india and finally the reign of the krishnadev of vijayanagar to us explanation they explanation. krishnadev rai 1509 to 1529 was a follower of v. Narsimha of tuluv dynasty who ascended the throne of vijayanagar empire on august 8 1509 during his reign vijayanagar was at its peak from the point of view of opulence and power krishnadev defeated sultan Mehmud shah bidar near adoni and under his successful military campaigns

पोर्चुगीज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं द फर्स्ट पॉर्चुगीज इउंटर विद कॉन्टिनेंट वॉज इन ट्वेंटी एट वन वैस्कोडामा रीच द कैलिकट ऑन मालाबार कोस्ट एंड ही वॉज बीन ग्रीटेड बाय द किंग ऑफ कैलिकट नेम वॉज जैमरिन सो ये इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है

वो क्या परफॉर्म किया करती थी जौहर परफॉर्म किया करती थी टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ टॉर्चर और इंगनोमनीस सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट राजपूत अ डिस्टिंग फॉर्म ऑफ सती विच इज नोन एज अ जौहर एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू दलॉट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज डन बिकॉज ऑफ द इनोवेशन हिंदू वुमेन फियर टू बिकम द बूटी फॉर कैप्टेटर एंड कमिटेड जौहर एंड सती टू अवॉइड रेप

261 B.C. 1576 A.D. And Battle of Tarin, it happened in 1192 A.D. 1192 इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बैटल ऑफ प्लासिकॉज हेल्प बिटवीन द ईस्ट इंडिया एंड दी नवाब ऑफ अशोका एंड हिज वास्ट आर्मी अगेंस्ट द कलिंगा इन 261 BCE. इसकी कौन सी नंबर की रॉक अडिक्टो इसके बारे में कलिंगा के बारे में बताती है बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन द गुर आर्मी ऑफ मोहम्मद गौरी एंड द राजपूत आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन विच द पृथ्वीराज चौहान वॉज defeated by Gauri in second battle of Tarain. Next question. The first woman president of Indian National Congress was Saroji Naidu. The first Muslim president of Indian National Congress was Badrutin Tyabji. So which of the statement is there are correct? One only, two only, both or neither. So the correct answer is two only. The first Muslim president of Indian National Congress was Badrutin Tyabji.

Who among the following was never elected as president of INC? Lala Lajpat Rai, Annie Besant, Motilal Nehru and Bal Gangadhar Tilak. So the correct answer is Bal Gangadhar Tilak. देखिए Lala Lajpat Rai जो हैं, जिनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये president कब बने थे? ये 1920 में बने थे. Annie Besant के बारे में आपने अभी देखा, Annie Besant 1917 के अंदर president बनी थी. Motilal Nehru जो थे, वो president थे 1990 और 1928 दोनों time पे. But Bal Gangadhar Tilak कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं सो दी आंसर इज बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट कलकत्ता द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ

फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है सेकेंड सेशन जो एटीन में कैलकटा में हुआ था वो किसकी प्रेजिडेंटशिप में हुआ था दादा भाई नारोजी की प्रेजिडेंटशिप में हुआ था एंड इंडियन नेशनल और मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक पैक्ट साइन किया था जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं और कब किया था नाइनटीन में कहा पे लखनऊ के अंदर सो कॉन्सिक्वेंटली द पैक वॉज साइन एंड इन दिस सेशन द एक्सट्रीमिस्ट हुक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी फॉर नाइन ईयर वी इंट्रोड्यूस टू द कांग्रेस ए सी मजूमदार सर्व एज द प्रेजिडेंट इन लखनऊ सेशन इन 1916 तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसके कौन प्रेसिडेंट रहे हैं इस सेशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं इनकी डिटेल्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए लाजपत राय महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस सो बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमॉंग सजेस्टेड द वाइडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंट इंडिपेंडेंस सी राजगोपालचारी आचार्य कृपलानी महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण सो दी करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी सो नेक्स्ट क्वेश्चन द कांग्रेस इज सोशन टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिवाइस दिस डेक्लेन वॉज मेड बाय जॉर्ज हैमिल्टन लॉर्ड कर्जन लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मिंटो सो दी करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कर्जन ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन ने दिया था अपने टेन्योर योर नाइनटीन जीरो फोर नाइनटीन जीरो फाइव के टाइम पे जब उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे करके टूटती जा रही है और मेरा एक बहुत बड़ा एम्बिशन है कि जब तक मैं हिंदुस्तान में हूं कांग्रेस कंप्लीटली खत्म हो जाए सो दिस अ स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड करजन नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सो द करेक्ट आंसर इज जेबी कृपलानी जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आप वीडियो को पॉज करके इनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा वो किस इवेंट के साथ रिलेटेड चंद्रप्रभावाल माउंटेनियरिंग उमुक्त चंद्र क्रिकेट एकता बिस्ट क्रिकेट एंड बजेंद्री पाल शूटिंग इनमें से कौन सा पेयर गलत मैच है दैट इज पाल बजेंद्री पाल के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं शी इज एन इंडियन माउंटेनर हु वॉज बॉर्न In 1984, and became the first Indian to reach the summit of Mount Everest. She was been awarded the third highest civilian award Padma Bhushan by the government of India in 2019. She is Bajendra So, our next question is for 1857-80, the revolt who said that the so-called first national war of independence is neither first nor national nor war of independence? It was said by L. E. R. Reese, John Lawrence, R. C. Majumdar, S. N. Sin. मजूमदार ये जो स्टेटमेंट है ये आरसी मजूमदार का था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मजूमदार नेक्स्ट क्वेश्चन आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी फिफ्टीन सेवन सेवन फेब्रवरी ट्वेंटी 18th April 2015. So the correct answer is 1st January 2015. Next question:

1916, in addition to the local general reforms, certain political objectives were added to the organization's goal. In the provincial elections of 1923 and 1926, the candidates of Kumau Parishad, Har Govind Vallappan, Govid Vallappan, Mukundilal, Badridat Pandey badly defeated their counterparties. So, do remember this information. This is important with respect to Uttarakhand state. Next question, the information of Lalit Aditya's attack on Kedar Mandal is in रजत रंगनी हर्ष चरित्र सभासर इज रजत रंगनी देखिये रजत रंगनी जिसको रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है इज अ मेट्रिकल लिजेंड्रियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट किंग्स ऑफ कश्मीर इट वॉज रिटन इन संस्कृत कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है संस्कृत में बाय द कश्मीरी हिस्टोरियन कलहान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्वेल्थ सेंचुरी

The prime objective was to enhance the foreign investments and provide an internationally competitive and hassle-free environment for exports. The SEZ ke Bare mein basic information. Aapko dhyan hai. Next, in which year FRI, that is Forest Research Institute, which is in Dehradun has completed 100 years of its establishment in 2007, 2006, 2016, and 2014. So the correct answer is 2006. भागीरथी, सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग जद गंगा या जिसको जानवी रिवर कहा जाता है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की विच फ्लोज इन उत्तराखंड स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में जब भी ट्रेड किया जाता था तो उस व्यापार में कुछ सील्स जो थी वो दी जाती थी ट्रेड के टाइम पर कौन सी सील्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डिपिक करती हैं सिलेंड्रिकल रिक्टेंगुलर ट्राइंगुलर और सर्कुलर सो द करेक्ट आंसर इज सिल्ड्रिकल सील्स जो सिलेंड्रिकल सील्स आपको बेसिकली डिपिक्ट करती हैं कि इंडस वैली का ट्रेड जो है वो मेसोपोटामिया के साथ कंटिन्यूसली होता था क्योंकि सिलेंड्रिकल सील्स आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कि नॉर्मल सील्स नहीं दिखेंगी बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स हमें दिखती हैं वो कैसी होती हैं या तो वो स्क्वायर सील्स होती हैं या फिर वो रेक्टेंगुलर सील्स होती हैं बट द दिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सील्स आर मेजरली फाउंड फ्रॉम मेसोपोटामिया नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग कॉन्टेस्ट हेल्ड इन मार्च ट्वेंटी एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस देहरादून ऋषिकेश अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सो द करेक्ट आंसर इज पिथौरागढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना के बारे में आपको डिटेल्स ध्यान रखनी डू स्टॉप वीडियो एंड रीड दिस एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच फेयर इज हेल्ड ऑन द टेम्पल ऑफ बाला सुंदरी देवी इन काशीपुर रामनवमी मेला गौचर मेला चैती मेला और कुंभ मेला सो द आंसर इज चैती मेला बाला सुंदरी मंदिर Also known as the Chetiy Mandir, is temple located in Kashipur district. During Navratri in March, a grand fair is held every year. The fair draws thousands of pilgrims and devotees from the far-flung areas. So ये हमारी आज की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करें। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए है जो आपको सॉल्व करना है। The question is in which book there is a description of Mughal emperor presenting a horse and a elephant to Garval king Shamsa? तुजुक ए बाबरी तुजुक ए जहांगीरी आईन ए अकबरी और नान ऑफ दी अब सो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमारे को हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इसके साथ हम लोगों ने आज अपने एमसीक्यूज की सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस को देखा आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी रेगुलरली इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो so आप हमारे को हमारे गिवन नंबर्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी मेल आईडी में हमारे को क्वेरी रेज कर सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ सो टिल देन बी सेफ टेक केयर जय हिंद